अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल रात में ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें रात में घर से कंबल और दवाइयां दी गई थीं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस मामले में आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, साथ ही उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है। गुरुवार को ईडी की टीम दसवां समन लेकर उनके घर पहुंची थी। इतने समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स